प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हुआ कि रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है सी अर्चिन में, और उन्होंने परफॉर्म किया इंट्रीगेट रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इंट्रीगेट रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट मतलब प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट कहिए, इंट्रीगेट रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट कहिए, बात एक ही है, या ड्राइश एक्सपेरिमेंट के भी नाम से कहते हैं। ठीक, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि बेसिकली होता क्या है कि जब सी अर्चिन का डेवलपमेंट होता है तो सी अर्चिन के डेवलपमेंट में जब क्लीवेज शुरू होता है तो क्लीवेज के टाइम में जो फर्स्ट क्लीवेज होता है सी अर्चिन का जो फर्स्ट क्लीवेज होता है वो मेरीडियोनल होता है। मेरीडियोनल का मतलब कि मान लीजिए ये कोई सेल है और जस्ट इस तरीके से ये एनिमल पोल होता है और ये वेजिटल पोल होता है। जब इस तरह से क्लीवेज हो, बिल्कुल सेंटर में इस तरह से क्लीवेज हो जाए तो इसको बोलते हैं मेरीडियोनल क्लीवेज। अभी हम आगे सारे क्लीवेज बताएंगे तो इसको बोलते हैं मेरीडियोनल क्लीवेज। तो सी अर्चिन में क्या होता है कि फर्स्ट क्लीवेज मेरीडियोनल होता है और जो थर्ड क्लीवेज होता है वो इक्वेटोरियल होता है। इक्वेटोरियल का मतलब कि ये वाला क्लीवेज, इसको इक्वेटोरियल क्लीवेज कहते हैं। तो ड्राइश ने क्या किया कि चेंज करा दिया डायरेक्शन थर्ड क्लीवेज का। समझ रहे हैं बात को कि भाई एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, जब पहला जायगोट बन गया, जायगोट बनने के बाद जब फर्स्ट क्लीवेज जो सी अर्चिन का होता है वो मेरीडियोनल होता है, सेकंड जो थर्ड क्लीवेज होता है वो इक्वेटोरियल होता है। अब ड्राइश ने क्या किया, जो ये थर्ड वाला क्लीवेज है इसको चेंज कर दिया। ठीक है, इसको इक्वेटोरियल की जगह इसको मेरीडियोनल कर दिया, मतलब कि ये इस तरह का ना क्लीवेज होके इसको सीधा ही क्लीवेज करा दिया। कैसे कराया, ग्लास प्लेट के थ्रू कंप्रेस करके, ग्लास प्लेट के थ्रू कंप्रेस करके क्लीवेज को चेंज करा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए ये नॉर्मल है, अब ये नॉर्मल डेवलपमेंट है कि अगर अभी हमने कोई ग्लास प्लेट से इसको कुछ भी चेंज नहीं कराया है तो उस केस में ये डेवलपमेंट दिखा रहा है। यहां पे आप देख रहे हैं कि सपोज कि ये 1-2 किस तरह से न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि ये पहला क्लीवेज दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया मेरीडियोनल क्लीवेज, ये इक्वेटोरियल थर्ड वाला, फर्स्ट क्लीवेज मेरीडियोनल हो गया, जो थर्ड वाला क्लीवेज था वो क्या हो गया इक्वेटोरियल हो गया। तो जब इस तरह का क्लीवेज होगा तो कुछ सेल्स के न्यूक्लियाई ऐसे अरेंज होंगे 1-2-3-4-5-6 है ना, और इसके बाद 7-8 इस तरह से अरेंजमेंट होंगे, और इनका टॉप व्यू देखें तो इस तरह से हमको जो स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग मोरूला बोलेंगे वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद तो ये नॉर्मल क्लीवेज है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि ग्लास प्लेट के थ्रू, ग्लास प्लेट के थ्रू जो थर्ड वाला क्लीवेज है वो उसको क्या करा दिया, उसको मेरीडियोनल करा दिया। तो अब जो ये नॉर्मल इस तरह का मतलब कि डिवीजन हो रहा था, क्लीवेज इस तरह से पैटर्न शो हो रही थी, वो क्लीवेज अब ऐसी शो होने लगी क्योंकि इन्होंने मेरीडियोनल क्लीवेज करा दिया थर्ड वाला जो कि इक्वेटोरियल होता है। तो ऐसे केस में अब न्यूक्लियाई की क्या हो गई, रीशफलिंग हो गई, एक तरीके से ये क्या हो गई, रीशफलिंग हो गई। न्यूक्लियाई 1-2-3-4 अभी देखिए यहां पर न्यूक्लियाई कैसे थे 1-2-3-4-5-6-7-8 यहां पे कैसे हुए 1-2-3-4-5-6 मतलब कि सेल्स, ये सेल्स ही तो हैं, ये सारे सेल्स क्या हो गए कि इनके पोजीशंस चेंज हो गए। ठीक, और इस तरह से अगर इसका टॉप व्यू देखें तो ऐसे कुछ करके उसको प्रेस किया गया होगा, ये ग्लास प्लेट है, दो ग्लास प्लेट के बीच में इस तरह से प्रेस किया गया। अब यहां पे देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जबकि टॉप व्यू अगर नॉर्मल होता तो इस तरह का दिखता। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि ग्लास प्लेट से इसको क्या कराया गया, ये चेंज कर दिया गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, प्रेशर को रिलीज कर दिया, और जो फोर्थ डिवीजन था वो इक्वेटोरियल था, प्रेशर को रिलीज कर दिया, थर्ड पे प्रेशर को रिलीज किया, और फोर्थ पे इन्होंने क्या किया कि नॉर्मल डिवीजन जो भी इक्वेटोरियल डिवीजन होता है वो हो गया होगा। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं कि ये डिवीजन हुआ, तो अब इसके बाद अगर नॉर्मल सेल्स होती तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती, 1A 2A 1B 2B इस तरह का न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट होता। ठीक है, इस तरह से सेल्स का अरेंजमेंट होता, लेकिन क्योंकि अभी क्या किया गया, प्रेशर दिया गया है ग्लास प्लेट का, तो अब यहां पे 1A 1B जबकि यहां पहले क्या था 1A और 2A कुछ इस टाइप का, मतलब न्यूक्लियाई क्या हो गए, रीशफल हो गए, मतलब कि उनकी शफलिंग चेंज हो गई उनकी पोजिशन क्योंकि हमने कंप्रेस करा दिया ग्लास से। तो ड्राइस ने प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट के थ्रू एल्टर कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई की पोजीशन को एल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, एबनॉर्मल क्लीवेज अंडर प्रेशर एज सीन इन एनिमल पोल। तो इससे क्या हुआ कि जब
चेंज कर दिया तो एबनॉर्मल क्लीवेज होगा ही, क्योंकि हमने क्लीवेज का पैटर्न ही चेंज कर दिया। जो होने वाला था इक्वेटोरियल, उसको हमने क्या करा दिया, मेरिडियोनल करा दिया, तो क्लीवेज पैटर्न चेंज हो गई, तो जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट नॉर्मल तो नहीं होगी। आप देखिए, अब इतना आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा ठीक, कि नॉर्मल डेवलपमेंट अगर होती तो इस तरह का पैटर्न होता, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट, हमने नहीं, किन्होंने, जायश ने एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि ग्लास प्लेट के थ्रू प्रेस किया, तो न्यूक्लियाई के जो पोजीशंस थे वो अल्टर हो गए ठीक। अब इसके बाद हम लोग यहां पे पढ़ते हैं, यहां पे कुछ सेंटेंस लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, क्योंकि सीधे आपके एग्जाम में ऐसे ही स्टेटमेंट उठा के रख दिए जाते हैं ठीक। लिखा है, आफ्टर ही रिलीज द प्रेशर द फोर्थ डिवीजन वॉज इक्वेटोरियल, फोर्थ डिवीजन इक्वेटोरियल था तो वो तो नॉर्मल इक्वेटोरियल हुआ। द प्रोसीजर रिशफल द न्यूक्लियाई कॉजिंग अ न्यूक्लियस दैट नॉर्मली वुड बी रीजन डिस्टाइन टू फॉर्म एंडोडर्म टू नाउ बी अ प्रेजेंटिव एक्टोडर्म। अब जिस तरह का उन्होंने चेंज किया, उस चेंज के अकॉर्डिंग उसको मतलब उसको बनाना तो था इंडोडर्म, लेकिन अब क्योंकि उसके न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो वो बना सकता है एक्टोडर्म रीजन में चला गया है ठीक। तो अब इस अकॉर्डिंग क्योंकि अगर ड्राइश जो चीज प्रूफ करना चाह रहे थे उस अकॉर्डिंग, तो अगर इंडोडर्म बनाने वाला रीजन एक्टोडर्म रीजन में चला गया तो उसको क्या करना चाहिए, उसको इंडोडर्म ही बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सम न्यूक्लियाई दैट वुड नॉर्मली हैव प्रोड्यूस डॉर्सल स्ट्रक्चर वर नाउ फाउंड इन वेंट्रल सेल्स। अब जो सेल्स डॉर्सल स्ट्रक्चर बनाने वाली थी वो सेल्स अब इस एक्सपेरिमेंट की वजह से वेंट्रल सेल्स के पास, साइड के पास पहुंच गई हैं। ऐसा करने के बाद तो लार्वा का जो स्ट्रक्चर है वो डिसऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, लार्वा अच्छा प्रॉपर नहीं बनना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ क्यों नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल लार्वा का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इफ सेग्रीगेशन ऑफ डिटर्मिनेंट हैड अकर्ड, अगर उन्होंने प्रेशर दिया था, प्लेट का प्रेशर दिया था, और अगर सपोज डेवलपमेंट डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग हो रही थी, तो जहां जहां डिटर्मिनेंट शिफ्टेड हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, वहां वहां पे वही वही पार्ट बनना चाहिए था, लेकिन जो कि प्रपोज किसने किया था, वीजमैन और रॉक्स ने, लेकिन जो रिजल्टिंग एम्ब्रियो था वो डिसऑर्डर्ड होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ड्रायश ने क्या पाया कि जो लार्वा था वो बिल्कुल नॉर्मल लार्वा था, तो क्या हुआ कि नॉर्मल लार्वा बन रहा था। द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ब्लास्टोमियर विद इन अ होल विल प्रोबेबली जर्नल इट वे टू डिटरमाइन व्हाट शेल कम फ्रॉम इट। मतलब इन्होंने, इनके एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि सेल्स की रिलेटिव पोजिशन क्या है, वो कहां पे है, उसी के अकॉर्डिंग ये फेट डिसाइड होगा कि क्या बनने वाला है ठीक। अब फिर से एक बार आप एक्सपेरिमेंट सुन लीजिए। ड्राइस ने इंट्रीगेट रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट किया इस होप से कि वो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट वाली बात को प्रूफ कर पाएंगे, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट से ये वो बात तो प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन एक बहुत ही मोमेंटस चीज निकल के आई। ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आगे चल के पूरा तो मतलब जो भी डेवलपमेंट है इसी पर डिपेंड है ठीक। तो उनको तो उन्हें तो जैसे हमने बताया कि उन्हें तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग बताना था, लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ दूसरी ही बात निकल के आई। बात क्या निकल के आई कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये देखा कि मान लीजिए कि सी अर्चिन का डेवलपमेंट जायगोट बना, जायगोट बनने के बाद फर्स्ट क्लीवेज मेरिडियोनल था ठीक है, और थर्ड क्लीवेज इक्वेटोरियल था और अगर इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया तो इस तरह का अरेंजमेंट न्यूक्लियाई का होता और ऐसी ही डेवलपमेंट होती, जो एम्ब्रियो की जो भी ब्लास्टुला स्टेज है ये या मोरुला स्टेज है, ऐसा डेवलपमेंट दिखता। ये टॉप व्यू है ठीक है, और ये अंदर का व्यू दिखाया गया, तो ये टॉप व्यू ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर दिखता। लेकिन जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इनका एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये था कि ये इस स्ट्रक्चर को, इस एम्ब्रियो को प्रेस करके इनके न्यूक्लियाई जहां जहां पे मतलब रिग्रेस होते, तो उनके साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट इधर उधर होते, सेल्स इधर उधर ऑर्गेनाइज होती, तो क्या होता कि नॉर्मल लार्वा नहीं बनता, क्योंकि जहां जहां साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट जिस भी जगह का आ गया होता वो पार्ट वहीं पे बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इन्होंने जब ये वाला एक्सपेरिमेंट किया तो क्या देखा कि मान लीजिए कि ये इन्होंने क्या किया कि ये
ग्लास प्लेट से इसको प्रेस कर दिया, एट सेल स्टेज को प्रेस किया, और जब प्रेस किया तो इस तरह का न्यूक्लियस का मतलब जो भी सेल्स थी उनका अरेंजमेंट ऐसा मिला। इसके बाद जब फोर्थ, जब इन्होंने प्रेसर प्लेट को थर्ड फेज तक रखा और फोर्थ फेज में जब फोर्थ क्लीवेज होता है तो वहां पर जो नॉर्मल इक्वेटोरियल डिवीजन है वही होने दिया। अब फोर्थ सिर्फ एक ही क्लीवेज को चेंज किया है, वो क्लीवेज कौन सा था, थर्ड वाला, बाकी सारा चीज वैसे ही एज इट इज नॉर्मल। लेकिन थर्ड वाले क्लीवेज को चेंज करने से न्यूक्लियाई की क्या हो गई, रीशफलिंग हो गई, मतलब कि इधर उधर अल्टर हो गए, है ना, इनके न्यूक्लियाई की जो पोजीशन थी वो अल्टर हो गई। तो अब मान लीजिए कि 1A नंबर का न्यूक्लियाई सपोज यहां पे शिफ्ट हो जाता है, यहां पे आ जाता है, तो यहां पे अगर साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग होता तो यहां पे 1A जो पार्ट बना रहा है वो यहां पे बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो जो पार्ट एंडोडर्म बनने वाला था वो वाले रीजन के सेल्स जब एक्टोडर्म रीजन में गए तो वहां पे जाके उनको एंडोडर्म ही बनाना चाहिए था, भले ही वो एक्टोडर्म में गए, मतलब साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट या वीजमैन की थ्योरी या रॉक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट में ऐसा रिजल्ट नहीं आया, इनके एक्सपेरिमेंट में क्या आया कि भले ही एंडोडर्म रीजन वाले सेल्स एक्टोडर्म रीजन में गए लेकिन वहां पे जाके उन्होंने एक्टोडर्म ही बनाया, मतलब कि पूरा लार्वा एकदम नॉर्मल बना, क्योंकि न्यूक्लियाई क्या हो गए कि एक बार उनको, क्योंकि इनके पास रेगुलेटिव डेवलपमेंट था, रेगुलेटिव डेवलपमेंट का मतलब कि न्यूक्लियाई अपने आप को रिशफल करके प्रॉपर फोर्थ उससे उन्होंने मतलब फोर्थ जब डिवीजन हुआ था या फोर्थ क्लीवेज हुआ था उसके बाद से उन्होंने अपनी न्यूक्लियाई की रिशफलिंग कर ली, रिशफलिंग करने के बाद प्रॉपर अपना रेगुलेटिव डेवलपमेंट कर लिया और पूरा का पूरा लार्वा बन गया। ठीक, तो इस तरह से क्या बताया गया कि जो रिलेटिव पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि पर्टिकुलर सेल्स जिस भी जगह पर रहेंगी उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेंगी। ऐसा नहीं कि वो जहां से उठ के आई है, अगर वो एक्टोडर्म की सेल और एंडोडर्म में आती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो वहां पर जाके एंडोडर्म बनाने लगेंगी। ठीक है, हम लोग इसके कंक्लूजन देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट के। द प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर is greater than prospective fate। isolation वाला experiment याद करिए जहां पे sea urchin के हम लोगों ने क्या किए थे कि अलग कर, sea urchin के जो cells थे अलग अलग कर दिए थे चार, और जब चार अलग अलग कर दिए तो सभी larva बना पा रहे थे, जब चार साथ में थे तो भी larva बना रहे थे, जब अलग अलग है तो भी larva बना रहे। तो ऐसी condition क्या हुई कि prospective potency, मतलब कि प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर जो भी पोटेंशियल है उसका आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर में ग्रेटर है उसके फेट से ज्यादा, मतलब कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है ना फेट से, तभी तो जब यहां पे थे तो कोई पर्टिकुलर लार्वा का पार्ट बनाने में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, लेकिन जब इन सेल्स को अलग किया गया तो इनके पास इतना पोटेंशियल था कि इन्होंने पूरा पूरा का पूरा लार्वा बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि prospective potency of an isolated blastomere is greater than prospective fate, बहुत important line है। और Wiseman के और Rocks के experiment के according prospective potential और prospective fate क्या था, equal होना चाहिए, identical होना चाहिए, लेकिन इनके experiment में, Dries के experiment में ऐसा नहीं आया। Dries के experiment में ये आया कि prospective potential सेल का ज्यादा होता है फेट से, तभी तो वो पूरा लार्वा बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर Wiseman और रॉक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते तो उसके अकॉर्डिंग दोनों का फेट और पोटेंशियल बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, सी अर्चिन एम्ब्रियो इज अ हार्मोनियस इक्विपोटेंशियल सिस्टम। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो सी अर्चिन का एम्ब्रियो था हार्मोनियस इक्विपोटेंशियल, मतलब जब ये आइसोलेटेड थे तो पूरा लार्वा बना रहे थे, लेकिन जब ये साथ में थे तो यहां पे हार्मोनियस मतलब क्या, साथ साथ मिलजुल के चलना, है ना, तब यहां पे ये किसी पर्टिकुलर लार्वा का स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो इसको क्या बोलते हार्मोनियस इक्विपोटेंशियल, मतलब कि जब साथ में है तो मिलजुल कर एक लार्वा का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इक्विपोटेंशियल सबके पास लेकिन पूरा पूरा लार्वा बनाने की भी पोटेंशियल है। कि सी अर्चिन का एम्ब्रियो हार्मोनियस इक्विपोटेंशियल है, हार्मोनियस का मतलब कि सेल्स जब साथ में हैं तो पर्टिकुलर लार्वा का पार्ट बना रही हैं, लेकिन जब सेल्स अलग हैं तो उनके पास सबके पास बराबर पोटेंशियल है कि वो पूरे लार्वा को बना सकती हैं।
ठीक है। तो इसलिए सी अर्चिन क्या हो गया, हार्मोनियस इक्विपोटेंशियल सिस्टम हो गया, बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियली इंडिपेंडेंट पार्ट फंक्शन टुगेदर फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। कि अगर इन सेल्स को इंडिपेंडेंट कर दिया गया तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर सकती है। द फेट ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड सोनली ऑन द लोकेशन इन द एम्ब्रियो, मतलब किसी भी एम्ब्रियो का फेट किस पर डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन कहाँ है। तो ड्राइव्स का जो सपना था वो तो वो पूरा कर नहीं पाए, क्योंकि उनको क्या था, उनको बताना था फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको क्या बताना था फिजिक्स के अकॉर्डिंग, इसको प्रूव करना था। तो अब लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो निकले वो बहुत मोमेंटस थे। भले ही ड्राइज के लिए पर्सनली इतना, मतलब क्योंकि वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझाना चाह रहे थे, लेकिन ड्राइज के लिए अगर वैसे देखा जाए और डेवलपमेंटल के एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये बहुत ही मोमेंटस कॉन्सिक्वेंस था कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन